हेलो फ्रेंड्स, जूस किचन फ्रेश एंड डिलीशियस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं छोले की सब्ज़ी, जिसे हम काबुली चना भी कहा जाता है, या छोले की सब्ज़ी। छोटे बड़े सभी को बहुत पसंद आती है। यह दिखने में जितने अच्छे होते हैं उतने खाने में स्वादिष्ट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम छोले की सब्ज़ी बनाना। तो यहाँ मैंने 2 कप चने लिए हैं, काबुली चने लिए हैं, जिसे हमने अच्छे से वॉश करके ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिया था। आप चाहे तो 6 से 7 घंटे के लिए भी इसे भिगो के रख सकते हैं। अब हम इसे कुकर में डाल के बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ मैंने कुकर में छोले को डाल दिए हैं। इसमें इतना पानी डालें कि हमारे जो छोले हैं अच्छे से भीग जाएं। हम इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। इसे बंद करके फुल फ्लेम पर 6 से 7 सीटी आने तक के इसे बॉईल होने देंगे। हमारे चने जब तक के बॉईल हो रहे हैं तब तक हम यहाँ छोले मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हमने कढ़ाई में जीरा, सौंफ, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, जावित्री सभी को अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। लो फ्लेम पर हम मसालों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। यहाँ मैंने खड़ी लाल मिर्च ऐड कर दी है और सभी को हम अच्छे से लो फ्लेम पर रोस्ट होने देंगे। चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना, इसमें से एक अच्छी सुगंध आ जाएगी। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे, इसे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे जार में पाउडर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हम मसाले को अच्छे से पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ हमारा छोले मसाले का पाउडर बनकर तैयार है। अब हम एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, उसमें राई और जीरा ऐड कर देंगे, 3 से 4 तेज़पत्ते ऐड कर देंगे। सभी को अच्छे से रोस्ट होने देंगे। बड़ी इलायची डालकर इसे भी रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। जब हमारे ये सभी रोस्ट हो जाए तो हम इसमें प्याज की प्यूरी ऐड कर देंगे। चम्मच से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये हल्के से फ्राई हो जाए प्याज, तब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करके फ्राई होने देंगे। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड करके इसे भी फ्राई कर लेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राई कर लेंगे। तो हमारे यहाँ प्याज अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें हम मसाला ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमने मसाले में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और जो हमने अभी मसाला रेडी किया था वो हमने ऐड कर दिया है, गरम मसाला। अब सभी को मिक्स करते हुए हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चम्मच चलाते हुए मसालों को हमें भून लेना है अच्छे से। जब हमारे मसाले अच्छे से भून जाए तो हम इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। इससे टेस्ट सब्ज़ी का और बढ़ जाता है। लगातार चम्मच चलाते हुए हम मसालों को फ्राई होने देंगे। जब हमारे प्याज और मसाले अच्छे से फ्राई हो जाए तब हम इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे और इसे भी चम्मच चलाते हुए अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। यहाँ हमने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है। ध्यान रहे, हमने जब चने बॉईल किए थे हमने उसमें भी नमक ऐड किया था। तो हमारे मसाले अच्छे से रेडी हो गए हैं। इसमें तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें जो बॉईल किए हमारे छोले थे वो ऐड कर देंगे और चम्मच चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। छोले में सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही ढक के पकने देंगे ताकि हमारे जो चने हैं उसमें मसाले अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। आप चाहें तो सब्ज़ी को इसी तरह ड्राई भी खा सकते हैं। और इसे हम बीच बीच में चम्मच चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नीचे से जले ना। अब हम इसमें हॉट वाटर यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने गर्म पानी लिया है, इससे सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आता है और हमारी ग्रेवी अच्छी बन के रेडी होती है। सो हमने गर्म पानी ऐड कर दिया है और इसे हम ढककर 5 से 10 मिनट तक के पकने देंगे और बीच बीच में चम्मच चलाते हुए चेक करते रहेंगे।
अब हम इसमें सब्ज़ी का टेस्ट को और बढ़ाने के लिए हम इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर लिया है, जो ढाबे और रेस्टोरेंट वगैरह में बनते हैं उसमें अमचूर पाउडर का ऐड किया जाता है, जिससे सब्ज़ी में हल्की सी खटास आए, इससे इसका टेस्ट और बढ़िया हो जाता है। हम इसे ढककर और 5 मिनट तक के सिर्फ पकने देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है क्या। तो हमारी सब्ज़ी बनके रेडी है, ग्रेवी भी अच्छी दिख रही है, आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट दिख रही है। यहाँ हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। सो हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है, हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने सर्विंग बाउल में सब्ज़ी को निकाल लिया है, इसे हम हरा धनिया से गार्निश कर देंगे। आप चाहे तो इसे छोले को कुलचे, रोटी, पूरी या लच्छा के साथ खा सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।